हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुरोध क्लासेस। यहां पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे, सो दैट आप कोई भी क्वेश्चंस को, कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सही से चीजें समझ में आए। तो दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 11 में आपको बहुत जरूरत पड़ेगा एंड क्लास 12 में भी ये बहुत जरूरत पड़ेगा। क्लास 12 में बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां पे इसका बहुत जरूरत है। एंड क्लास 11 में ये आपको मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा एंड ग्रेविटेशन चैप्टर में ये आपको हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी एक वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको अगर कंपोनेंट में अगर लिखें तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू ए आई कैप, इसको मैं ले लेता हूँ a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, राइट। ये हम एक एक वेक्टर पर लिखे a। अच्छा, इसमें a1 क्या है, व्हाट इज a1? a1 इज द x कंपोनेंट अलोंग i एक्सिस, b1 इज द y कंपोनेंट अलोंग j कैप, c1 इज द z कंपोनेंट अलोंग k कैप। अब उसी तरीके से हम एक और वेक्टर ले सकते हैं, b वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, राइट। अच्छा, तो ये देखो, ये हमने कंपोनेंट वाइज दिया है। अब हमें बोला गया कि भाई इसका प्रोडक्ट निकालो, इसका प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। बट याद रखना कि जो वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है ना, वो दो टाइप का होता है। सी, ये अलजेब्रा का कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये वेक्टर अलजेब्रा है, राइट। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप का होता है एंड दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये दो टाइप का प्रोडक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसका और एक नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, या इसका एक और एक नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो ये एक टाइप का प्रोडक्ट है। दूसरा टाइप का प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं साइन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो हम देखेंगे। देखो, अगर हम फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट अगर हम दिखाना चाहें तो उसका सिंबल होता है a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये जो डॉट जो हमने लिखा ना, ये जो डॉट लिखा, ये सिंबल है जो ये दिखाता है कि वी वांट टू मल्टीप्लाई a एंड b इन दिस फैशन, दैट इज इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जबकि अगर हम साइन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा a क्रॉस b, ठीक है, हमें दिखाना पड़ेगा a क्रॉस b। तो ये क्रॉस वाला जो साइन है ये दिखाएगा कि वी वांट टू डू द सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर। अच्छा, ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पहले जानते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट, उसके बाद हम दूसरा टाइप का प्रोडक्ट को देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। देखो, कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम दो वेक्टर ले लेते हैं। एक ये वेक्टर ले लेंगे जो हमने इसका पहले लिया था, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। अच्छा, और एक वेक्टर हम ले लेंगे b इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ओके, अब देखो, कॉस्ट प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे ना, तो ये फिर दो टाइप का होता है। अगर कंपोनेंट वाइज दिया हुआ है, जैसे ये जो ए और बी का अगर कंपोनेंट दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो, तो ये ए डॉट बी हम लोग का हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ये इन लोग का जो x कंपोनेंट है ना दोनों का, दैट इज i कंपोनेंट, इसको प्रोडक्ट कर रहा है, प्लस करके इनका जो j कंपोनेंट है उसको प्रोडक्ट कर रहा है, फिर जो k कैप का जो कंपोनेंट है उसको प्रोडक्ट कर रहा है,
ठीक है। तो ये जो है इसका जो वैल्यू होगा दैट विल गिव अस द कॉस्ट प्रोडक्ट। याद रखना कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर विल गिव अस अ स्केलर क्वांटिटी। ये सिर्फ हमें एक मैग्नीट्यूड देता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब डायरेक्शन का मतलब है कि इसमें आई कैप जे कैप के कैप का टर्म पे ये नहीं आएगा, राइट। तो ए डॉट बी जो जो कॉस्ट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ये हम लोग का पहला जो एक्सप्रेशन है वो है कंपोनेंट वाइज ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, राइट। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है कि अगर ये कंपोनेंट ना देके अगर उनका मैग्नीट्यूड दिया जाता, अगर मैग्नीट्यूड दिया जाता ए और ए दिया जाता, ए का मैग्नीट्यूड दिया जाता बी का मैग्नीट्यूड दिया जाता है उनके बीच का एंगल दिया जाता, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो कि ये ए है, दिस इज दी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो इस केस में जो ए डॉट बी होगा वो क्या होगा, इस केस में ए डॉट बी होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो देखो हम कॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉस प्रोडक्ट का दो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होगा जब कॉम्पोनेंट वाइज आपको दिया गया वेक्टर, दूसरा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हम तब यूज करेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंड उन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ वी विल सी साइन प्रोडक्ट। साइन प्रोडक्ट क्या होता है, याद रखना कि जब भी हम दो वेक्टर का साइन प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, ठीक है। अच्छा इस पर भी हम दो वेक्टर ले लेते हैं, हम पहला वेक्टर ले लेते हैं ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, दूसरा वाला वेक्टर हम लेंगे बी इज इक्वल टू ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, राइट। अब हम निकालना चाहते हैं इन दोनों का साइन प्रोडक्ट, तो इसके लिए भी दो मेथड है। पहला मेथड जब कंपोनेंट दिया गया हो तब, दूसरा मेथड जब उनका मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच का एंगल दिया गया हो तब। तो हम लोग पहले निकालते हैं जब उनका कंपोनेंट दिया गया तब क्या करेंगे, तब हमें मैथ्स का एक कांसेप्ट का जरूरत पड़ेगा डिटरमिनेंट। तो ए क्रॉस बी, इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी होगा देखो यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। इसको लिखने का तरीका देखो आई कैप जे कैप के कैप एंड यहाँ पे नीचे में लिखेंगे ए वन बी वन सी वन एंड इधर नीचे लिखेंगे ए टू बी टू सी टू, राइट। अब इसको अगर हम ये करेंगे, इसको अगर हम इस डिटरमिनेंट को अगर हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे i कैप इनटू, अब देखो b1 c1 यहाँ पे मैं इसको दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें i कैप लिखना है, i कैप लिख के देखो b1 एंड c2 को मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करके c1 एंड b2 को मल्टीप्लाई करो, मतलब i कैन राइट लाइक दिस i कैप इनटू b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे माइनस जे कैप, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जब हम जे कैप ले लेंगे तब हम ए वन एंड सी टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी वन इंटू ए टू। तो ये हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू। फिर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के कैप, तो मैं लिखूंगा प्लस के कैप। अब जब हम लोग के कैप ले लेंगे तो a1 वन एंड बी टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी वन इंटू ए टू को करेंगे, तो हम लिखेंगे a1 वन बी टू माइनस बी वन ए टू, राइट। तो देखो जो फाइनल जो रिजल्ट आया ना, ये जो हमने साइन प्रोडक्ट किया इसमें जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो हम लोग का क्या है, देखो इसमें i कैप जे कैप और k कैप आ रहा, मतलब ये हम लोग को एक मैग्नीट्यूड भी दे रहा है एंड डायरेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। अच्छा और दूसरा मेथड कौन सा है, और दूसरा मेथड है जब इन दोनों वेक्टर के बीच में जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एल कैप। अच्छा ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन कब यूज करेंगे, जब हम लोग का ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंड के बीच का एंगल दिया हुआ है, तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। इसमें एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, सपोज ये प्लेन है तो यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे बी है, तो ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन से परपेंडिकुलर जो होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा एन कैप। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, देखो अगर हम शुरू से देखें तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि ये जो वेक्टर अलजेब्रा में अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वन इज कॉल्ड कॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये कॉस प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ए डॉट बी इज कॉल्ड टू हम ए बी कॉस थीटा लेते हैं इसलिए कॉस प्रोडक्ट। डॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका सिंबल में डॉट आता है। स्केलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला जो मेथड है वो क्या है, उसको बोलते हैं साइन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका सिंबल में क्रॉस आएगा। साइन प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसीलिए साइन प्रोडक्ट बोलेंगे। वेक्टर क्यों बोलेंगे, बिकॉज ए ए एंड बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आएगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसको वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अच्छा और डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने क्या किया कि दो वेक्टर ले लिया। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने का इसमें दो तरीका है, एक तरीका है जब हम लोग इसको कंपोनेंट को से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा तरीका है जब हमें इनका मैग्नीट्यूड दिया गया है एंड इनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो हम इसको करेंगे। आप देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर पहला वाला यूज करोगे तो हो सकता है बहुत फास्ट आंसर आ जाए, सेकंड वाला करेंगे तो हो सकता है थोड़ा लंबा चौड़ा घुमाना पड़े। ठीक है, एंड साइन प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी दो तरीका है, जब से कंपोनेंट को लेकर कर रहे हैं प्रोडक्ट, और एक तरीका है जिसमें कि हम इनका मैग्नीट्यूड एंड एंगल को लेकर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। राइट, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ